एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना, और आई नो बहुत लेट है, रात के 11 बज चुके हैं और अभी सोया हुआ है. अभी आई थिंक 10:30 सो गया था. सो अभी मैं बैठी हूँ अपना व्लॉग एडिट करने के लिए जो कल मॉर्निंग में आएगा. सो अभी बहुत लेट हो चुका है और आज मैं दिन भर नहीं शूट कर पाई क्योंकि अभी आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था 6:30, और वो नॉर्मल 8:30 9 o'clock उठता है, तो आज 6:30 उठ गया और फिर वो 11 बजे वापस से सो गया. और 11 बजे सोने के बाद वो 1:30 बजे उठा और जब तक मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ वो सो के उठ चुका है 1 बजे. और उसके बाद फिर वही रूटीन, उसको नहलाना खिलाना और फिर पूरा टाइम उसके साथ. सो बिल्कुल टाइम नहीं मिला आज. और अदरवाइज़ अभी नॉर्मल डेज़ में मतलब उसकी दोपहर की नैप होती है जो, तो वो 2 बजे 2:30 बजे सोता है. तो जब तक मैं घर का सारा जितना काम होता है उसको मैं करके फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट करती हूँ और नेक्स्ट डे पोस्ट करती हूँ. बट आज मुझे जगना पड़ेगा, थोड़ा लेट नाइट तक मैं ट्राई करूँगी कि मैं जगूँ, क्योंकि अभी बहुत मतलब बहुत लंबा वीडियो हो गया है जो लास्ट मैंने शूट किया था और ब्लॉग, और उसमें रेसिपी भी है. सो ऑलरेडी रेसिपी सिर्फ 10 मिनट की हो जाती है मेरी तो, और इसलिए मैंने अब देखते हैं उसको एडिट करना है मुझे. चलिए वो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. सो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो एडिट करके सोऊंगी, बट मुझे बहुत नींद आ रही है और अभी सिर्फ 12:15 बजे हुए. सो अभी मैं सो जाऊंगी जाके और कल मॉर्निंग में एडिट करूंगी जितना भी होता है और जल्दी से जल्दी पोस्ट करूंगी सुबह. और बहुत नींद आ रही है, कल बात करती हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो गई थी, अभी सुबह मैं 6 बजे उठी हूँ और अभी मेरे साथ उठ गया है. सो अभी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ. ये देखे बदमाश, ये जल्दी उठ जाता है, मम्मा को कुछ काम नहीं करने देता गंदा बच्चा. सो बस अभी के साथ बस खेलना है अभी और कुछ काम नहीं हो सकता. पता नहीं आज वीडियो कितने बजे आने वाला है. सो फाइनली वीडियो अपलोड हो गया. मैं थोड़ा लेट थी 1 घंटे अपलोड करने में, और जैसे मैंने अपलोड के लिए लगाया 37% अपलोड हुआ, इतने में लाइट बंद हो गई. सो थोड़ा टाइम लग गया और अभी 10:30 बजे अपलोड हुआ है. सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो. और सो अभी मैं नीचे जा रही हूँ जल्दी से, मैं नहा ली हूँ और अभी को भी नहला दिया है और नीचे जाती हूँ लंच बनाने के लिए, फिर आपसे बात करती हूँ. बताओ. अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा, अभी रुक जा, स्टॉप स्टॉप. कौन है अभी? कौन है? अच्छा मेरा नाम बता दो. क्या जाओ चेंज कर जल्दी से, नाम बताओ. आ रहा है आने को. नाम बताओ क्या अभी? कौन है ये अभी? कौन आ गया? कौन आ गया? कौन है अभी? कौन है अभी? भूल गया अभी तो. बुला लो, बुला लो नुन्नू, नुन्नू बुला लो, बुला लो, बुला लो जल्दी. कौन है? कौन है?
शर्मा। अच्छा मासी को प्यार कर लो, मासी को प्यार करेगा अभी ना, प्यार करेगा ऐसे जैसे मम्मा को करता है, ऐसे ऐसे प्यार करता है मम्मा को। किसी कर लो मासी को जल्दी से, शर्मा आ रहा है। अच्छा हाँ नहीं करा। अभी आइसक्रीम 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 बोलो बोलो आइस क्या खा रहा है अभी? मुझे भी आइस क्या खा रहे हो अभी? पापा बोलो आइसक्रीम। अच्छा अभी मुंह खुला कर आइसक्रीम बोलो आइसक्रीम पापा आइसक्रीम आइसक्रीम बोलो। अभी मासी से चोटी बनवा रहा है, क्या हो रहा है अभी? मासी क्या कर रही है? कोई बात नहीं। नेल्स बहुत बड़े हो गए ना, अभी चोट लग जाती है नेल्स बड़े जब रहते हैं तो, इसीलिए नेल्स कट करवा लो जल्दी से। हाँ कार लगाते हैं जल्दी से, नेल कट करवाओ। मुंह देख रहा है तुम्हारा, वो वाला दो ये वाला दो मम दे दो फ्रिज के ऊपर पहले क्यों इसमें हम पहले पहले ये वाले दिखाओ सब आधे आधे कट रहे हैं पहले ये काम भी अभी तो सोने के बाद करेंगे कट रहे दो जल्दी ला अभी ये वाला कट कर दीजिए।
सो आज मैं यहाँ पे वेज मंचूरियन बनाने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन चॉप कर लिया है, इसके साथ ही पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है और शिमला मिर्च को। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास गाजर अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे फाइन चॉप्ड कर ली मैंने थोड़ा सा प्याज, और इसमें इसको सारी सब्जियों को मैंने एक बाउल में रख लिया है। इसमें मैंने जिंजर और गार्लिक भी ग्रेट कर लिया है, और ग्रीन चिली चॉप कर लिया है, फाइन चॉप करना है आपको। और इन सब के साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक बड़ा चम्मच सोया सॉस। इसके साथ में ही मैं इसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ, और इसके साथ कॉर्नफ्लोर या तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही डाल सकते हैं। मैं इसमें मैदा भी मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने दो से तीन बड़े चम्मच मैदा डाला है, और 1 टीस्पून नमक लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे मैदा थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने मैदा 2 टेबलस्पून और ऐड किया है। और इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसकी बॉल्स बना ली है, और बस इसको फ्राई करना है। तेल गर्म हो चुका है, मैं फ्राई भी कर रही हूँ साथ में, तो आप देख सकते हो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये हमारे बॉल्स बन गए हैं, और अब कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। इसकी ग्रेवी बनाऊंगी मैं, क्योंकि ग्रेवी मंचूरियन बना रही हूँ। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने इसमें गार्लिक डाल दी है, और गार्लिक को फाइन चॉप किया है। और अब मैं डालूंगी सब्जियाँ, जिसमें मैं शिमला मिर्च और प्याज फाइन चॉप कर लिए हैं, उसको मैं दोनों को साथ में ही ऐड कर दूंगी। इसको हमको ब्राउन नहीं करना है, बस हाई फ्लेम में सॉटे करना है सारे वेजिटेबल्स को। और इसमें इतना पकाना है कि हमको वेजिटेबल्स का बाइट आना चाहिए। उसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस 2 बड़े चम्मच। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप, और 1 टेबल स्पून है। आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने ग्रीन चिली सॉस डाला है स्मॉल 1 टेबल स्पून के करीब, और मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली नहीं डाली है, मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 1.5 बड़े कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगी। और हाँ, जो मैंने सब्जियाँ ग्रेट की थी उसका जो जूस निकला था, तो उस जूस को मैं डाल रही हूँ इसमें, और उसको मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि वो वेजिटेबल स्टॉक ही है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स करके इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो केचप और ऐड किया है। बस इसको बॉईल होने देना है, और ये बॉईल हो जाए तो इसमें हम लोग कॉर्न स्टार्च की स्लरी डालेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, बस कॉर्न स्टार्च में आपको पानी ऐड करके उसका एक घोल बना लेना है, और ये जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो उसके बाद इसको डाल के और मिक्स कर देना है, और 1-2 बॉयल आए उसके बाद आपको गैस बंद कर देना, आपकी ग्रेवी रेडी है। हाँ, इसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप जितना थिक चाहिए उतना ज़्यादा आप कॉर्न स्टार्च ऐड कर सकते हो। सो मेरी ग्रेवी बन गई है, और मैंने बॉल्स ऐड कर दिए है, और ये मैं आज डिनर पे बना रही थी मंचूरियन राइस। सो मंचूरियन की रेसिपी मैंने बता दी है, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताओ कैसा आपने कैसे बनाया, और मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। सो मंचूरियन रेडी है, अब देखते हैं अभी क्या कर रहा है। ब्लू कौन सा है, उठाओ जल्दी से, कौन सा है ब्लू कलर का? अभी ब्लू कौन सा है? अच्छा गंगा को मम्मम पिला दो पहले, गंगा को मम्मम पिलाओ, गंगा नहीं मम्मम पिला दो, इसमें से इसमें मम्मम पिला दो, पिली। हाँ, अब गग्गा को इधर रख दो, गग्गा को रख दो, रखो जल्दी।
बस अब चलो ब्लू बताओ, ब्लू कौन सा है? ब्लू ब्लू कौन सा है? ब्लू कौन सा है? ब्लू ब्लू कौन सा है? ये तो नहीं है, ये तो ऑरेंज है। ब्लू कौन सा है? ब्लू ब्लू कहाँ है? सो अभी यहाँ पे मासी के साथ बिजी है, कुछ खेल रहा है। और अभी रात के 8:30 बज गए हैं। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इसमें रख दो ये वाली गग्गा को मम्मा नहीं पिलाओगे? मम्मा पिला दो गग्गा को। ऐसे रख दो, ऐसे एक गग्गा, एक इसमें रख दो इसमें। और इसमें पैंगन बैठा देते हैं। और किसको बैठा दें? और तो कुछ है नहीं। अब वो वाली गग्गा किसमें बैठा है? इसमें बैठा दो गग्गा। अरे कुट्टू कर ली अभी। हाँ मम्मी गई। और कैट को भी मम्मा पिला दो। कैट आ रही है अभी।